तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़। दोस्तों मैं आपको बोलूं, क्या कोई पहाड़ पानी में तैर सकता है? तो आपको लगेगा भाई ये कितना ज़्यादा मजाक वाला बात है, भाई आप वीडियो बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी पहाड़ पानी पे तैर सकता है, वो कैसे तैरेगा और क्या दोस्तों ये चीज़ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, बहुत सारे पहाड़ पानी पे तैरते हैं, लेकिन हम लोगों को इसके साइंस के बारे में नहीं पता। हम लोगों को इसके साइंस के बारे में ये नहीं पता कि आखिर ये होता कैसे, और हम लोगों ने इस चीज़ को देखा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ठंडे इलाके में, ठंडे जगह में क्या होता है कि बहुत सारा पहाड़ होता है और पहाड़ के नीचे दोस्तों बर्फ जमा हुआ रहता है, उसके नीचे पानी रहता है और वो पहाड़ दोस्तों पानी पे तैरता है। आपने कहीं भी वीडियो पे जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको इसके साइंस के बारे में पता है कि ये आखिर ऐसा क्यों करता है, वो कैसे तैरता है, वो पानी में डूबता क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं पता होगा आपको इसके बारे में। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस वीडियो पे बताऊंगा और दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन सा वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को समझिएगा कि दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है, कोई भी पहाड़ पानी पे कैसे तैरता है, चाहे वो इधर का पहाड़ हो या फिर कहीं और का पहाड़ हो। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके माइंड में कोई भारी चीज़ का जो है वो वस्तु का नाम सोचने के लिए आता है तो सबसे पहले आप पहाड़ सोचते हैं, लेकिन सबसे भारी पहाड़ होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं इसके पीछे का साइंस कि भाई इसके पीछे का साइंस क्या है, कोई भी पहाड़ पानी पे कैसे तैरता है और क्यों तैरता है, इसका पीछे का साइंस दोस्तों समझ लीजिए। मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं कलर व्हाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है पानी, ठीक है? ये होता है पानी। तो जब पानी दोस्तों जम जाता है, यानी कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाता है, दोस्तों पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है? जम जाता है और जम कर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है? पानी जमने के बाद बर्फ बन जाता है। उसके बाद दोस्तों वो बर्फ, जब आप किसी बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो दोस्तों वो नहीं डूबेगा, वो नहीं डूबेगा दोस्तों, वो जो है वो क्या होगा, तैरेगा, ठीक है? वो तैरेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे बर्फ का हो छोटा टुकड़ा, चाहे बर्फ का पहाड़, वो पानी में नहीं डूबेगा। इसके पीछे का साइंस के बारे में चलिए वीडियो में मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ को तैरने के लिए, देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ कब तैरता है, यानी कि वो कब तैरता है, यानी कि दोस्तों जब आप किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है ये, ठीक है? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कोई वस्तु है ये, ठीक है? ये कोई सा वस्तु है, यानी ये एक क्या हो गया, पहाड़ है, ये है दोस्तों पहाड़। तो जब आप किसी पहाड़ को किसी पानी पे रखोगे, पानी सतह पे रखोगे, तो वो क्या करेगा, वो दोस्तों पानी के ऊपर दबाव डालेगा, दोस्तों वो पानी के ऊपर दबाव डालेगा, ठीक है? और दबाव डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ का पानी हटेगा और दोस्तों पहाड़ धीरे धीरे क्या होगा कि डूबने लगेगा, पहाड़ डूबने लगेगा। तो जब पहाड़ डूबने लगता है तो इसके यहाँ का क्या होता है, उत्प्लावन बल बोलते हैं उसको, उत्प्लावन बल, ठीक है दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो ये उत्प्लावन बल लगाता है पानी, और ये पानी जो है वो इस चीज़ को ऊपर धकेलता है। तो आखिर ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिस कंडीशन में ये पहाड़ पानी में नहीं डूबेगा? तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि इसका जितना आयतन है, दोस्तों इसका जितना आयतन है, बिल्कुल समझिएगा, इसका पहाड़ का आयतन, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाने के बाद अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यानी मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है? इसका आयतन, इसका जो आयतन होगा, आयतन का भार, यानी कि दोस्तों इसका जो आयतन होगा, और जब इसको पानी में डाला जाएगा तो जितना पानी ये हटाएगा, जितना पानी हटाएगा, ठीक है, जितना पानी हटाएगा उसका आयतन, उसका आयतन, यानी कि इतना पानी हटाया तो आयतन क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है? ये होता है आयतन, ठीक है? तो इसका जो आयतन है, ये जितना पानी हटाएगा उसका आयतन, दोस्तों अगर इसका भार, ठीक है, यानी कि इसका भार अगर ज़्यादा हो गया तो दोस्तों ये क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, ठीक है? बिल्कुल समझिएगा, डूब जाएगा। और दोस्तों अगर इसका भार इससे कम हुआ, यानी कि दोस्तों इसका जो हटाया गया पानी, इसका भार इससे कम हुआ, तो वो पानी में क्या होगा दोस्तों, वो पानी में तैरेगा। यानी कि इसका हटा, इसका जो भार है वो, और इसके द्वारा हटाया गया पानी, उसका भार अगर कम होगा तो वो पानी में तैरेगा।
तो यही कंडीशन है कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी पानी में तैरता है, बड़े से बड़ा पहाड़ पानी में इस तरीके से तैरता है। अभी बता दें कि जनरल चीज़ जैसे बहुत सारे बर्फ के जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे पानी तैरता है, तो देखिए पानी का एक अलग ही ये होता है, ठीक है, इसका केस होता है, क्या होता है वो समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ज़रूरी चीज़ है, इसको समझ के रखिए। जब कोई पानी जो है उसका आयतन मान लीजिए कि आप 10 है, ठीक है, उसका आयतन 10 नहीं है, वो मान लीजिए उसका आयतन 9 है, तो 1/9 यानी कि उसका आयतन 9 है। आयतन कहने का मतलब है कि एक गिलास पानी उसका आयतन मानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर उसको डाल दिया जाए, तो अगर एक गिलास पानी को कहीं उझेल दिया जाए तो इसका आयतन 9 हो जाएगा। दोस्तों उसी एक गिलास पानी को दोस्तों अगर आप उस एक गिलास पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा दें, यानी कि वो बर्फ़ बन जाए, ठीक है, जमा दें और जम के क्या हो जाए कि वो बर्फ बन जाए, तो बर्फ होने के बाद दोस्तों उसका जो आयतन होगा वो 10 हो जाएगा। देखिए कैसा केस है, यानी दोस्तों अगर किसी पानी का आयतन 9 है और उसको जमा दिया जाए तो उसका आयतन 10 हो जाएगा। बस यही कारण होता है कि दोस्तों कोई भी बर्फ पानी पे तैरने लगता है। दोस्तों यही कारण है कि बड़ा से बड़ा पहाड़ भी पानी पे तैरता है, वो क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है, और उस समुंदर पे दोस्तों एक बहुत ऊंचा एक बहुत ऊंचा पहाड़ को डाल दिया जाता है, तो पहाड़ दोस्तों उसका आयतन जब वो जम जाता है, तो जमने के बाद जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा चीज़, जैसे मैं इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा पानी पर डालूंगा तो जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल आयतन होगा उतना ही पानी वो बाहर फेंकेगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर उतना ही बड़ा पहाड़ मैं नीचे रखूँ तो नीचे रखने के बाद क्या है कि उतना पानी वो हटाएगा, लेकिन दोस्तों वो जमने के बाद वो क्या होता है कि वो पानी उसमें वो छोटा हो जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है, जमने के बाद ये फैल जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद दोस्तों वो मान लो इतना पानी हटाएगा तो दोस्तों उसके बदले कितना पानी हटेगा, उसके बदले दोस्तों कम पानी हटेगा, यानी कि इसका भार दोस्तों कम हो जाएगा, तो जब इसका भार कम हो जाएगा तो दोस्तों वो डूबेगा नहीं। तो यही कारण होता है कि बड़ा से बड़ा पहाड़ भी पानी में नहीं डूबता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी पहाड़, जैसे नॉर्मल पहाड़ मान लीजिए हमारे घर तरफ का पहाड़ हो गया हो, तो दोस्तों ये हमारे घर तरफ का पहाड़ है, तो हमारे घर तरफ का पहाड़ क्या पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे घर तरफ का पहाड़ भी पानी में नहीं डूबेगा। वो इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि दोस्तों अगर उसको पानी में डाला जाए तो देखिए कंडीशन है कि अगर पानी बहुत ही ज़्यादा पतला है, ठंडा, क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो वहाँ का पानी में ऑलरेडी बर्फ़ मिला हुआ रहता है, तो उस तरह के पानी में डालने से नहीं डूबेगा। लेकिन अगर नॉर्मल पानी में डाल दिया जाए तो दोस्तों ये डूब जाएगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल प्योर मात्रा में पत्थर होते हैं, और ये कोई पानी का जमा हुआ पत्थर नहीं है। पानी का जमा हुआ पत्थर रहता तब ये नहीं डूबता दोस्तों, ये ओरिजिनल पत्थर है, यानी कि इसका आयतन जो है वो ऑलरेडी जितना पानी हटाएगा उससे ज़्यादा ही इसका आयतन यहाँ पे घेरा हुआ रहेगा, तो दोस्तों ये पानी में बिल्कुल डूब जाएगा। और बात करें कि कौन सा पहाड़ पानी में नहीं डूबेगा, तो दोस्तों वो जो समुद्र के किनारे या फिर दोस्तों बहुत अंटार्कटिका में जिस तरह के पहाड़ होते हैं, बहुत सारे दोस्तों आप सभी को पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, तो उस तरह के पहाड़ जो बहुत ठंड से बनते हैं, तो उस तरह का पहाड़ कभी भी पानी में नहीं डूबेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी वीडियो मैंने आप सभी को बताया और जो मैंने आप सभी को प्रूफ दिखाया वो आप सभी को समझ में आ गया। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ।